हिंदुओं का प्रमुख ये पर्व छठ अब समाप्त हो गया। आपको बता दें कि आज सुबह महिलाओं द्वारा उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठ पूजा को समाप्त किया गया। वहीं आपको बता दें कि 3 दिवसीय छठ पूजा को लेकर महिलाएं कई महीने पहले से ही तैयारियां की जाती है। वहीं आपको बता दें कि छठ पूजा को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में खास मान्यता है। वहीं जहां लोग छठ पूजा में कोसी भरते हैं, कोसी वो होता है कि जिनके मन्नत मांगे जाते हैं उनकी बाल छठ मैया को काट कर चढ़ाया जाता है, वही कोसी कहा जाता है, जिसको लेकर महिलाएँ महीनों से नहीं सालों से तैयारी करती हैं। वहीं आपको बता दें कि आज सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर महिला द्वारा इस छठ पर्व को समापन किया गया। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से उगते हुए सूर्य को महिला अर्घ दे रही है। वहीं ये पर्व एक खास हो जाता है क्योंकि महिलाएं डूबते हुए सूर्य को भी नमस्कार करती हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस पर्व को समाप्त करती हैं। खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से छठ मनाई जाती है। वहीं जहाँ इस बार के छठ दिल्ली में खास चर्चा में रहा, आपने देखा कि यमुना नदी का पानी उस तरह से झाग में तब्दील हो गया था, देखने पे लग रहा था किसी और जगह का है, लेकिन गंदी भरी पानी में भी लोगों ने छठ पूजा का पर्व मनाया। वहीं हिंदुओं का खास पर्व काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। वहीं आप वीडियो में देख सकते हैं कि महिलाओं द्वारा छठ घाट पहुँच कर वेदी पर पूजा पाठ की जा रही है। वहीं छठ पूजा में भारी संख्या में लड़कियाँ, महिलाएँ, पुरुष पहुँच कर इस पूजा में भाग लेते हैं। वहीं इस पूजा की खास महत्व है कि सूर्य देव का पूजा की जाती है। पहला ऐसा पर्व है हिंदुओं का जिसमें सूर्य देव का पूजा किया जाता है, इसी वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार में खास चर्चा का विषय बन जाता है।